गन उससे मारने की कोशिश करता हूँ मैं, मतलब रीना ब्रेकआउट का भी छवरी बनूंगा मैं, क्लोज में स्नाइपर चलाऊंगा। सवाल को मारने की कोशिश की मैंने, इसमें स्नाइपर का डैमेज कुछ खास है या नहीं मुझे समझ नहीं। इसमें मैंने तीन तो गोलियाँ मार दिए। हेलो गाइस, ये वाला वीडियो में अपन एक न्यू FPS शूटिंग गेम के बारे में बात करने वाले, जिसका नाम है एरिना ब्रेकआउट। अब ये वाला गेम प्ले अभी ग्लोबली लॉन्च हुआ नहीं है, जुलाई में लॉन्च होगा सभी के लिए, और कंपनी की तरफ से मेरे को अर्ली एक्सेस मिला था, तो अर्ली एक्सेस डाउनलोड लिंक और सब प्रोवाइड करा दिया इन्होंने, और सब कुछ जो फॉर्मेलिटीज होती है वो कंप्लीट करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद में हम सब कर लेता हूँ, और फिर गेम का एक ट्रेलर देखने को मिलता है। इस गेम को भाई डाउनलोड करने में लगभग 5 GB जाने वाला तुम्हारा, और देखो भाई ट्रेलर किस प्रकार का है। इसके अंदर तुमको कुछ हिंट जो टॉपिक हेडलाइन दिखा रखी है उसके अकॉर्डिंग ही गेम प्ले है, और आगे जो जो भी होने वाला है, मतलब गेम खेलना कैसे है वो इतना परफेक्टली एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना मैंने सीखा है अभी तक, मतलब खेल के अनुभव किया वो तुम्हें मैं बताऊंगा। और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो अपना फ्लैग इंडिया रख लेता हूँ और नाम लिख देता हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट विक्टर करेक्टर जैसा ही भाई है उसका, वो लगा दिया है मैंने। ये गेम भी एक भाई पबजी की तरह ही है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, डीप है। ये एक जो अपना पबजी न्यू स्टेट था उससे भी ज़्यादा लेवल पे, मतलब ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स है, और ये पीसी गेम की तरह है, बिल्कुल माइनर वो डिटेल्स ऐड की गई है गेम में, कि तुम्हें मैगजीन में खुद गोली भी तुम्हें ही बननी है और मैगजीन भी तुम्हें ही बननी है उसके अंदर, उसके वरना तुम मैच में एंटर भी नहीं हो पाओगे, ऐसा डिटेलिंग बता रखी। राइट साइड में जो भी ये मैगजीन और बैग वैग पड़े, ये तुम्हारा पूरा घर का स्टोरेज है, और लेफ्ट साइड में जो इक्विपमेंट्स है ये तुम फाइटिंग के दौरान ले जा सकते हो मैचों में, और यहाँ पर दो वेपन तुम इक्विप कर सकते हो, बैग इक्विप कर सकते हो, हेलमेट, वेस्ट और दवाइयाँ हैं, बिस्किट है, यहाँ पर बिस्किट भी है भाई, बिस्किट भी ले जा सकते हो तुम मैच में खाने वाने के लिए। और ये जो क्या नाम है इसका, ये हमें बताता रहता है कि भाई ऐसा मत कर ऐसा कर, और जो कुछ ज़्यादा समझ आता नहीं है, क्योंकि कोई कितना भी बता दे अपन जब तक उसको खुद नहीं करेंगे तब तक बिल्कुल भी नहीं सीखने वाले। तो मैं बहुत ट्राई करने के बाद इन एरिना ब्रेकआउट वालों की तरफ से मुझे कुछ कॉइन मिले, और लेवल भी अपने आप इन्होंने अप कर दिया, और यहाँ पर मैं बन गया हूँ प्रो जैसा दिख रहा हूँ, और साथ ही देखने को मिल रहा है हमें भाई रॉयल पास, मतलब सीज़न पास है इनका, बैटल पास जो भी के सीज़न 1 है, ये पहले ही अर्ली एक्सेस में दिखा रहे। इस प्रकार के कुछ रिवॉर्ड्स आने वाले हैं, मुझे तो लगा कुछ इवेंट पबजी की तरह इमोट्स आएंगे, स्किन आएगी, लेकिन ये खाली कॉइन दे रहे हैं, गोलियाँ दे रहे हैं, मतलब गोलियाँ भी अपन को ही खरीदनी पड़ती है, कुछ अलग ही प्रकार के जो मार्केट है, गनस्मिथ, पता नहीं अलग अलग ही ऑप्शन है इसमें यार, वो तो टाइम टू टाइम अपन सीखते जाएंगे। अभी मैंने कुछ इवेंट से कॉइन और ये सब कलेक्ट कर लिया है, और मुझे खेलना अभी मैच, और इसका मैच मेकिंग और गेम प्ले कैसा है, ग्राफिक्स कैसे वो अभी देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास 4-5 मैच मैप अनलॉक्ड है, सबको नेक्स्ट करते हैं, कुछ ज़्यादा नॉलेज है नहीं, और मैच में एंट्री मार लेते हैं। मैच में भी मैं काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि भाई रियल प्लेयर को ये चाहता है कि मैच में आए, इसलिए पीसी की तरह काफ़ी टाइम लेता है ये, और उसको मैंने एग्जिट मतलब काट दिया, और अभी मैच में एंट्री मार चुके हैं अपन। कुछ खतरनाक ही ज़्यादा ग्राफिक्स हैं, और ये FPS मतलब फ्रंट पर्सन में ही चलने वाला है, टीपी भी तो मेरे को अभी इतना नॉलेज नहीं है। और यहाँ पर मैप देखने को मिल जाता है, इस मैप में हमें जो रेड गोले वाले हैं बहुत ज़्यादा बंदे आते हैं, और यहाँ पर 4 से 5 एक्सट्रैक्शन पॉइंट मिलते हैं अपन को, वहाँ पर जाकर अपन को अपने मिशन कम्प्लीट करने होते हैं, मतलब मिशन कम्प्लीट करने के बाद वहाँ पर जाना होता है, और वहाँ से अपन को उठा लिया जाए। अब सबसे पहले तुम जैसे ही ये मैप वाला आइकन है इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें मिशन एक ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ पे तुम्हें आज के मिशन दिख जाएंगे, और यहाँ पे आ गया मेरे पास एक बंदा। अब इस बंदे को वहाँ देख रहा हूँ मैं, इसको सबसे पहले देख रहा हूँ ये दुश्मनी है क्या, कोई मेरा दोस्त को नहीं है, बंदे का मूवमेंट देखिए वहाँ से इधर आ गया, और गोलियाँ लग नहीं रही हैं, तो रियल हूँ लेकिन खेल के सर हूँ काफ़ी न्यू प्लेयर हूँ मैं, और मुझे बहुत मशक्कत के बाद इस प्लेयर को मारने में सफलता मिली गई। और इस बंदे की तरफ जैसे ही अपन अपना क्रॉस एयर ले जाते हैं तो हमें लूट का ऑप्शन मिल जाता है, और इसके पास कुछ ज़्यादा लूट नहीं थी, वेस्ट था, गन थी, और कुछ खाली बिल्कुल, उसने गोली तो चला दी, गिनती की 30 गोलियाँ लेके आया था, और मतलब पीसी की तरह भाई टोटल, मतलब इसकी जो
पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा इसमें, पबजी की तरह नहीं कि एक करेक्ट मिल जाएगा अपन को छोटा का। अपन लूटिंग कर रहे होते कोई बंदा अपन को मार भी सकता है, इसलिए काफ़ी सतर्क रहना पड़ सकता है अपन को। जैसे जैसे लेवल हाई जाएगा और प्लेयर्स अच्छे आते जाएंगे, यहाँ पे और प्लेयर आ गए, ये प्लेयर को मैं भाई टैप टैप करके फायर मारता हूँ क्योंकि मैं इतना प्रो नहीं हूँ फिलहाल। मेरे सेंसिटिविटी कुछ खास तगड़ी सेट नहीं कर रखी और ना इसमें वो पबजी वाला रिकॉइल है, इसमें बहुत काफ़ी रियलिस्टिक रिकॉइल है। और इतनी बता तक भी पट्टी लगा लेना, पट्टी लगाते लगाते तो आगे चले जाओ वहाँ पर बंदा और हमला कर रहा मेरे पे। तो ये बंदे को मैं टैप टैप फायर करने की कोशिश करता हूँ लेकिन बम फेंक दिया भाई, काफ़ी रियलिस्टिक बम है ये। देखो इसका पीछे डैमेज साउंड और इफेक्ट देखना भाई, जैसे स्मोक रखा हो वैसे तो इसका वो पूरा तबाही मचा दिया इसने। ड्यूटी सब हवा में उड़ गई, बंदे ने क्लोज में रश कर दिया भाई, लेकिन इसको नहीं मालूम मैं क्लोज में बहुत तकड़ा खिलाड़ी हूँ, भले ही मेरी को रिलोड कर रहा हूँ बार बार। और जैसे तो सही है पर भाई ये बंदे को मार दिया मैंने, और लास्ट भी भाई के वहीं पड़ी रहती है भाई पीसी गेम्स की तरह। और बंदा था भाई, मुझे उस पेटी को लूटने में पूरा स्क्रीन में ब्लैंक हो जाता है इसलिए मैं अभी के अभी लूटना नहीं चाहता। और एक और बंदा था उसको मार दूँ ढूंढ तो रहा था लेकिन नहीं मिला था भाई। अभी फ़िलहाल मेरे पास गोलियां कम है तो इसके पेटी से गोलियां उठाते अपन। अब इसके जैसे ही लूट पे क्लिक करता हूँ तो कुछ खास नहीं मिलता इसके पास। तो भाई गन कौन सा है पता नहीं, S12 के या SLR जैसा है। और मिशन चेक करता हूँ तो अभी फ़िलहाल एक बंदा और मुझे मारना हो, और चेस्ट जो भी अपन मैगजीन डालते हैं चेस्ट के ऊपर पहनते हैं वेस्ट की तरह, वो एक चेस्ट भी होती है ऊपर, उसमें हमें एक मतलब चेंज करनी है, बड़ी लेनी है अपन दूसरे प्लेयर से। और मैं निकल लेता हूँ आगे, इसका साउंड सुनोगे ना तो भाई बिल्कुल प्रॉपर रियलिस्टिक, पानी के अंदर एक पेड़ डाल दिया वो भी एकदम रियलिस्टिक, पानी की छवाक से आवाज़ आ जाती है। मैप में चेक करता हूँ कि भाई कहाँ जाना है, नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन पॉइंट कौन सा है। जब तक जाने में मुझे बीच में और प्लेयर मिल जाते हैं, अब मुझे मिल जाता है एक कार्नेटेड जैसा बोल्ट एक्शन गन, उससे मारने की कोशिश करता हूँ मैं। मतलब ना ब्रेकआउट का भी छबरी बनूंगा मैं, क्लोज में स्नाइपर चलाऊंगा। सवाल को मारने की कोशिश की मैंने, इसमें स्नाइपर का डैमेज कुछ खास है या नहीं मुझे समझ नहीं। इसमें मैंने तीन तो गोलियाँ मार दिए, बंदा मरने का नाम नहीं ले रहा है या फिर इस घंटा ही डैमेज कम हो। उसके बाद मैं एक ही ले लेता हूँ और घूम लेता हूँ दो बंदे। अब एक तो मारा गया, वो उधर से लेफ्ट से रोटेट मार के आता है, काफ़ी खिलाड़ी तो है ये, मैं भी नहीं हूँ अभी फ़िलहाल, वो भी नहीं होंगे। और एक और खिलाड़ी भाई मारता है भाई, उसको भी भर दिया मैंने। और ये तो बिल्कुल पीक करके मार रहा है यार साले, इसमें किल मैसेज नहीं आता है, पता नहीं पड़ता ये बंदा मारा गया कि नहीं मारा गया। फिलहाल मेरे पास गोलियाँ ख़त्म हो जाती है ये देखना था। अब मैं ले रहा हूँ भाई चाकू, और चाकूबाजी देखो कैसे करता हूँ मैं अभी इस बंदे के साथ। साला बंदा इतनी रिलोडिंग कर रहा है ना, रिलोडिंग करते करते उसको मैंने भाई चाकू से बिल्कुल फिनिश कर दिया। चाकूबाजी भी रियलिस्टिक लग रही है भाई, जैसे जैसे चाकू ऑलमोस्ट चाकू अपन छाती वाती पे ही मारा तो बिल्कुल हाँस होना वासने लग गया भाई बंदा। और इससे पहले कोई और बंदा रश कर देने पट्टे मारता और वहाँ से निकल लेता, और ये बंदा भी आ जाता भाई, लूटने देने का टाइम नहीं दे रहा है ये मुझे, मेरे पास गोलियाँ भी नहीं है। और इसको भी मैं चाकू से ही उड़ा दूंगा एक बार, फिर उसके बाद शांति से गन लूटूंगा वो गोलियाँ भी। अब इसको जैसे ही मारने के बाद देखता हूँ कि इसके पास तो कुछ खास है नहीं, और चेस्ट जो मिशन में था इसको जैसे ही इक्विप करने की कोशिश करता हूँ, लूटने की कोशिश करता हूँ, तो ये लो लेवल की और उठाने में असमर्थ रहता हूँ मैं। तो उसके बाद जो काफ़ी बंदे मैंने मारे थे उनमें से एक चेस्ट उठाने में सफल हो जाता हूँ, और वो कैसे ये इस तरीके से जो अपना पहला वाला चेस्ट है उस पर क्लिक क्लिक करना पड़ता है, और समझ जाओगे तुम भी एक पे क्लिक करने के बाद दूसरा पर यानी कि एक्सचेंज समझ गए भाई। और यहाँ पर अपने दोनों मिशन कंप्लीट हो गए अपन, अब यहाँ पे अपने दोनों मिशन कंप्लीट होने के बाद अपन को जाना है एक्सट्रैक्शन पॉइंट, जो रेड एरिया में दोनों दिख रहे हैं वो एक्सट्रैक्शन पॉइंट है, शायद वो कम मतलब टाइम ख़त्म होने वाला इसलिए रेड है। एक दूर भी था जो ग्रीन था, लेकिन अभी जहाँ पे भी वो भी काफ़ी हाफ रहा है अपना खिलाड़ी, गोली अपने आप चल रही है, कंट्रोल सेट है नहीं तो। अभी फटाफट भाई दवाई लेते हैं, अभी ठीक हो गया बंदा, अभी मैंने मार्क लगा रखा है यहाँ पे हमको जाना है
अब इससे पहले अगर अपन मार गए तो मिशन फेल हो जाएगा और बीच में मुझे बंदा मिल जाता है और अपने पास गोलियां बहुत कम है। साले इसमें तो गोलियां ही नहीं है स्नाइपर में, और इस एके में भी बहुत कम गोलियां हैं, जो कि सारी मैंने इस बंदे पे चला तो दी। और अब देखना भाई क्या होता है, चाकूबाजी करने के लिए जैसे आगे बढ़ते उस बंदा मुझे मून देता और अपना मिशन हो जाता है फेल। अब इसके बाद डेथ कैम मतलब किल कैमरा भी है, और उस पर क्लिक करने के बाद देखो भाई क्या उसका व्यू था, साला अच्छी खासी स्काउटिंग कर रहा था वो बंदा और मुझे पीछे से कैप्चर कर लेता कि भाई बंदा आ रहा है कोई। और भाई इसको देखो पीछे भी देख रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा खिलाड़ी था ये। और देखो भाई ये मुझे ऐसे भून देता ना भाई, S12 के ये सेगा 12 के, और इससे मुझे मार देता। तो भाई लोग जैसे अपन मैच में जाते हैं वैसे ही बहुत सारे अदर प्लेयर भी मिशन पे आते हैं और ये लाइक बैटल रॉयल की तरफ वो भी आपस में लड़ते हैं। और तो भाई लोग अपन मिलते हैं एक नए वीडियो में जहाँ पर अपन मोर डिटेलिंग, मोर एक्यूरेसी और मोर अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि ये गेम और गेम प्ले कैसे अच्छे से किया जाता है और मिशन कैसे कंप्लीट किया जाता है और क्या क्या मोड आने वाले हैं इसमें। और नेक्स्ट वीडियो शायद मुझे इंग्लिश में बनाना पड़े क्योंकि कंपनी वालों ने बोला है मुझे।